मोहित जी, आपका मैं एक कमेंट चाहूंगा पहले कि देखिए, ये वाकई दिल्ली में जो कुछ हुआ घटनाक्रम और अब सब एकदम शांति है, तो ये शांति है या फिर तूफान के पहले का सन्नाटा है? ये अभी जो ज्वालामुखी है वो शांत हो गया। कहते हैं ना, ज्वालामुखी कई तरह के होते हैं, अचानक भड़क भी जाते हैं फिर शांत भी हो जाते हैं, तो ये अभी फिलहाल शांत है। असल में कांग्रेस कहती है कि ये अंदरूनी मामला है, लेकिन अंदरूनी रहा ही नहीं गया। जब एक मध्य प्रदेश के 10 साल तक सीएम रहे और एक जो जिनको चाणक्य कांग्रेस मानती है, उनके खिलाफ ही पार्टी के वरिष्ठ मंत्री और राज्य के जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री वो आकर बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह ब्लैक मेलर हैं, उनकी शराब की दुकानें चलती हैं। सिर्फ वो ही नहीं बोलते, और भी जो दूसरे विधायक हैं उन तक भी आरोप आता है कि सरकार सही ढंग से नहीं चल रही है। उनका ये कहना है कि हाँ, कमलनाथ जी अच्छे हैं लेकिन मंत्री बिना लिफाफे के काम नहीं कर रहे हैं। अब ये सब बातें हुई, काफी किरकिरी हुई, मीडिया में खबरें आई और ये बात दिल्ली तक पहुंची, सोनिया गांधी तक, कि मध्य प्रदेश में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सोनिया गांधी ने कमलनाथ जी को और सिंधिया जी को दोनों को बुला लिया दिल्ली की, भैया आप आइए बात करिए क्या हो रही है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो समीकरण चल रहे हैं, जो अभी हमने चैनल में दिखाया है, इस समीकरण में दिग्गी गुट और कमलनाथ गुट ये अभी फिलहाल हावी है, क्योंकि कमलनाथ नहीं चाहे कि मध्य प्रदेश में कोई दूसरा पावर सेंटर बने। यदि अगर सिंधिया जी आते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा पावर सेंटर बनेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज यदि कांग्रेस की सरकार है तो उसमें सिंधिया जी 99% उनका योगदान है। कमलनाथ जी से ज्यादा सभाएं सिंधिया जी ने की, कमलनाथ जी से ज्यादा जो है एक प्रसिद्ध कमलनाथ जी दौरे जो की है। हाँ, कमलनाथ जी बहुत बड़ा चेहरा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जो है सिंधिया जी को इस पद पर बैठना देखना चाहती थी, लेकिन वो जो हुआ वो तो बात की। अब तो बीजेपी ने भी तो कहा था ना कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, बीजेपी को भी लग रहा था कि अगर चुनाव कांग्रेस जीत गई तो सिंधिया महाराज जी जो है बिल्कुल उसमें भी बाद में कमलनाथ नहीं थे टारगेट पे बीजेपी, बिल्कुल उसमें भी कम संघ ने भी बाद में डांट भी लगाई थी जब हार हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल का मामला जो चर्चा चल रही है कि क्या ये मामला शांत हो गया है, ये मामला बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ है। यदि अगर अजय सिंह का नाम बढ़ता है तो सिंधिया गुट सक्रिय होगा, फिर अरुण यादव, ये तो क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कि अभी बैठे हुए हैं, जो कि हार चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा हार चुके हैं, लोकसभा हार चुके हैं। और यदि अगर कमलनाथ जी और इनकी बात बनती है कि किसी नए को बना दे, जैसा शोभा ओझा जी का नाम आ रहा है, बाला बच्चन इनका नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर नाराजगी भड़कनी है। ऐसा नहीं कि मामला शांत हो गया, लेकिन कल की तस्वीर देखने लायक होगी कि कल क्या बात होती, कल क्या फैसला होता है। लेकिन ये बात जो है अब रुकने वाली नहीं है, बहुत आगे इस पर जो है गहन मंथन होना है और ये देखने लायक होगा कि किस पर मुहर लग। पत्रकार टीवी से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।